नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के बारे में कि आप अगर अपना घर बनवाने वाले हो तो किन प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है, क्या प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो सही घर आपका तैयार हो पाएगा। तो अगर आपको मटेरियल का थोड़ा भी नॉलेज है तो आप मटेरियल खुद से परचेस करें, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्डिंग को दे। बट अगर आपको मटेरियल का एकदम नॉलेज नहीं है तो आप विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन से, जिससे आपका टेंशन जो है वो नहीं रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको ड्राइंग बनवाना पड़ता है, ठीक है। किसी भी इंजीनियर के पास जाइए, इंजीनियर आर्किटेक्ट जाके सबसे पहले आपको ड्राइंग बनवाना पड़ता है। एक अच्छा सा ड्राइंग बनवा के आप फाइनल कर लीजिए, उसके बाद ड्राइंग का डिटेल करने दे दीजिए, वो पासिंग ड्राइंग बनाएंगे। उसके बाद वो ड्राइंग को आपको अप्रूव कराना पड़ता है। अप्रूव आप कहाँ कहाँ करा सकते हैं, नगर निगम हो गया या फिर आपके एरिया में जहाँ भी अप्रूव होता है, पंचायत में, गांव वाँव है तो पंचायत से अप्रूव, सारे तरीके से आपको अप्रूव अच्छे से करा लेना है। अप्रूव होने के बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए जो पहला प्रोसेस आता है वो है क्लीनिंग द ग्राउंड। सबसे पहले आपको ग्राउंड को पूरा क्लीन करवाना पड़ेगा, जितना भी घास वगैरह है, कचरा वचरा सब हटा के पूरा सरफेस को क्लीन कराना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है लेआउट का। जिसे घर बनवा रहे हैं तो आप एक इंजीनियर जरूर हायर करें, एटलीस्ट वो आपका प्लानिंग कर दे और लेआउट करा दे, क्योंकि अगर लेआउट में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका पूरा बिल्डिंग टेढ़ा हो जाना है। तो इसीलिए आपको लेआउट इंजीनियर के सुपरविजन में ही कराना है। तो जो आपका लेआउट हूबहू उतरा है इस तरीके से पेपर पे, वही सेम ग्राउंड पे उतारना है, जो कि स्किल वाला काम है, नॉर्मल पर्सन के लिए करना मुश्किल है। तो आप एक इंजीनियर जरूर अपने साइड पे हायर करें, एटलीस्ट लेआउट और कॉलम का सीधा हो जाने तक जरूर आप इंजीनियर को रखें। उसके बाद फिर अपना लेबर वगैरह मिस्त्री से आप काम करवा सकते हैं, अगर आप नॉर्मल बिल्डिंग बना रहे हैं तो। और लेआउट के टाइम पे जो आपको जरूरत पड़ेगा, नेल, चूना, सूता, हैमर, टेप, ये सब चीज का आपको जरूरत पड़ सकता है, तो ये सब चीज परचेस कर ले, उसके बाद ही आप लेआउट कराएं। उसके बाद लेआउट के बाद आपको करवाना है एक्सकवेशन। जनरली एक्सकवेशन 4 से लेके 9 फीट तक आप कर सकते हैं। तो जो भी आपका प्लॉट का एरिया है, जो इंजीनियर बताएगा उसी हिसाब से आपको एक्सकवेशन करवाना रहेगा। एक्सकवेशन आप मैन्युअली भी कर सकते हैं और जेसीबी से भी करवा सकते हैं। जिस टाइप से आपका प्लॉट है, छोटा है तो आप मैन्युअली करवा ले, बड़ा प्लॉट है लेबर का ज्यादा कॉस्ट चला जाएगा तो आप जेसीबी बुला के 2-4 घंटा में पूरा वो गड्ढा करके चला जाता है। बट जेसीबी बुलाने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि पूरा मिट्टी जो वो निकालेगा उसको हम रखेंगे कहाँ, क्योंकि स्पेस होना चाहिए। अदरवाइज क्या करेगा, आधा प्लॉट का गड्ढा करेगा, आधा प्लॉट में आपका मिट्टी रख देगा, फिर आपको दूसरे दिन बुलाना पड़ेगा, आधा प्लॉट का मिट्टी हटा के फिर वहां गड्ढा कराना पड़ेगा। तो ये चीज आप देख लें कि मिट्टी जो वो एक्सकवेट करके निकालेगा तो उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे, और जेसीबी का आने जाने का रास्ता जो है हमारे प्लॉट पे है या नहीं, ये चीज देखने के बाद ही आप जेसीबी से एक्सकवेशन करवा सकते हैं। एक्सकवेशन करवा लेने के बाद आपको क्या करना था, पीसीसी बनाना रहता है। पीसीसी बनाने के बाद उसको अच्छे से, जो सॉइल है आपका नीचे, उसको पहले कॉम्पैक्ट कराना रहता है। कॉम्पैक्ट करा देने के बाद उसमें आपको फिर पीसीसी कराना रहता है। 2 इंच आपको सैंड डालना रहेगा, 3 इंच आपको ब्रिक सोलिंग करना पड़ेगा, उसके ऊपर 3 इंच आपको पीसीसी करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा प्लॉट का बेस तैयार होगा। जो बिल्डिंग बनने वाला है, जो फुटिंग बनने वाला है, उसका बेस तैयार होगा। और वो बेस तैयार हो जाने के बाद फिर उसके बाद आपको फुटिंग का जाली बिछाना है, ठीक है, फुटिंग मेस बिछाना है। तो फुटिंग मेस में आपको क्या करना है, सिंगल वायर मेस भी आप ले सकते हैं, डबल वायर मेस भी ले सकते हैं, दोनों को, मतलब आपके प्लॉट में जैसा रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर से आप बात कर ले, और अगर इंजीनियर से नहीं करवा रहे, नॉर्मल बिल्डिंग है तो सिंगल वायर मेस जाए, डबल वायर में आपका ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो सिंगल वायर मेस फुटिंग में अपना जाली लगा दे और फिर फुटिंग का कंक्रीटिंग वगैरह करें। और एक चीज आपको ध्यान देना है, कॉलम का जो प्लेसिंग होगा, जो कॉलम का जो छड़ बंधाएगा वो एकदम सेंटर लाइन में होना चाहिए। जिस तरीके से प्लान में सेंटर लाइन हमारा कॉलम का ग्रिड गया है, उसी तरीके से आपको आपको प्लम्बॉब से पूरा सीधा करके कॉलम का रड को लगाना है, और उसको आप फिर नीचे फॉर्म वर्क करके उसको फिर आप कास्ट कर सकते हैं। और कॉलम का जो लेंथ जाएगा, आप कोशिश करिए कि पूरा एक फ्लोर तक हमारा, मतलब ग्राउंड फ्लोर का पूरा एक ही बार में कॉलम का जो रड है वो बांध दे, उसके बाद कॉन्क्रीटिंग करे, तो हमारा कॉलम तक का काम हो गया। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा ग्राउंड बीम या फिर टाई बीम। टाई बीम और ग्राउंड बीम बना देने के बाद उसमें आपको डीपीसी का लेयर प्रोवाइड करना है। डीपीसी का लेयर प्रोवाइड करना है या तो वाटरप्रूफिंग केमिकल लगा करके, या तो फिर आप ब्यूटुमिन का कोट भी लगा सकते हैं, जिससे आपका नीचे का जितना भी पानी है वो ऊपर बिल्डिंग में नहीं जाएगा, आपका बिल्डिंग का ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो ऊपर नहीं जाएगा, तो जिससे आपका बिल्डिंग डैमेज नहीं होगा। तो ये आप जरूर करा ले, ठीक है। उसके बाद आप जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट बनाते हैं, कॉलम बीम सब में आपको कवर ब्लॉक देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कवर ब्लॉक नहीं देंगे तो सरिया आपका बाहर से कॉन्टेक्ट होगा और उसमें जंग लग जाएगा तो बिल्डिंग को वो डैमेज कर देगा।
तो कवर ब्लॉक बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम लोग कॉलम कास्ट किए थे तो कॉलम में आपको 40 mm का क्लियर कवर जरूर से रखना है, ठीक है। तो कॉलम हो गया, टाइपिंग हो गया, उसके बाद आपको अच्छे से बैकफिलिंग करना है। बैकफिलिंग क्या करना है, 1 फीट तक आपको मिट्टी डालना है, पानी डालना है, अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है, फिर 1 फीट तक मिट्टी डालना है, पानी डालना है, कॉम्पैक्ट करना है। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपका पूरा फिल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो बैकफिलिंग अगर अच्छे से आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो ऊपर आपका फ्लोरिंग का, टूटने का, टाइल्स का, डबडब करने का कभी भी फ्यूचर में आवाज नहीं आएगा। तो पूरे अच्छे तरीके से आपको बैकफिलिंग करना होता है। उसके बाद की प्रोसेस की मैं बात करूं तो उसके बाद आपको ब्रिकवर्क स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो ब्रिकवर्क आपका फेज बाय फेज आता है, पूरा ब्रिकवर्क एक ही बार नहीं किया जाता। पहले सिंगल ब्रिक लेआउट किया जाता है कि हाँ ठीक है, ये वाला प्लान के अकॉर्डिंग मेरा मेजरमेंट आ गया है, सिंगल ब्रिक हो गया, इंजीनियर आके चेक कर लिया। उसके बाद फिर आप सील लेवल तक ब्रिकवर्क कर दे, फिर सील बैंड अगर देना है तो वो दे सकते हैं। सील बैंड हम लोग इसलिए देते हैं ताकि विंडो के नीचे साइड और अपर साइड क्रैक नहीं होगा। सील बैंड देंगे तो जितना भी विंडो वगैरह सब कुछ का लोड है वो सील बैंड में आके पड़ेगा, तो दीवार में विंडो के नीचे जो साइड से क्रैक होता है वो होने का चांस खत्म हो जाएगा। तो सील बैंड भी आप यूज कर सकते हो अगर नहीं करना चाहे तो नॉर्मल। आप बाद फिर आप लिंटल तक ब्रिकवर्क कास्ट करें, फिर उसके बाद आप पूरा फ्लोर तक ब्रिक कास्ट करें, तो हमारा ब्रिकवर्क जो है वो हो जाएगा। और ब्रिकवर्क में आपको ध्यान देना है कि जो आउटर है वो 10 इंच का ब्रिकवर्क रहेगा और जो इनर है वो हम लोग को 5 इंच ही लेना है, ठीक है, क्योंकि स्पेस बचेगा अंदर का। अगर 1-1 इंच भी आप बचाते हैं, अगर सपोज कि आप 10-10 इंच देते हैं तो 5-5 इंच आपका पूरा मार खाता है। तो अगर आप 1-1 इंच भी बचाएंगे ना तो अंदर का कार्पेट एरिया आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए अंदर का जितना भी ब्रिक है आप 5 इंची का दे चलेगा। सीढ़ी का बस आप याद रखिएगा कि सीढ़ी का हर साइड आपको 10 इंच का देना है, क्योंकि सीढ़ी में ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी कंक्रीटिंग वर्क है, सील बैंड, लिंटल बीम और ऊपर का रूफ बीम, फिर स्लैब, ये सब जितना भी पार्ट है ये आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से जो आप डिजाइन करवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बार यूज करना है। ये नहीं कि आप कोई सा भी mm का बार यूज कर दिए हैं तो उस अकॉर्डिंग बार यूज करना। और अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हैं, आप इंजीनियर के मदद से नहीं बना रहे, नॉर्मली बना रहे, तो मेरा एक वीडियो आया हुआ है ये रीबार का कि बार आपको कैसे देना है अपने घर पे। आप इसको जरूर एक बार चेक करें और चेक करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि फुटिंग में कितना बार यूज करना है, बीम में, कॉलम में, स्लैब में, टाइबी में, सब चीज में कितने mm का बार आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल बिल्डिंग में। तो इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर के एक बार देख ले जिससे आपको बार का आइडिया मिल जाएगा। तो उसी तरीके से फिर आपका रूफ बीम हो गया, स्लैब कास्ट हो गया, तो एक फ्लोर आपका बनके तैयार हो जाता है। फिर आपको क्या करना रहता है, सीढ़ी का मम्टी रूम बना के ऊपर करकट डाल दीजिए या फिर ढलाई कर दीजिए, आपका ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाता है। तो इतना सारा प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है एक घर बनाने के लिए, जो कि नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, ये पूरा टेक्निकल चीज है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हर काम में लोग थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी कर बैठता है, कहीं क्या हो गया कि घर बनने के बाद पूरा क्रैक आ जाता है, जो कि अधिकतर मेरे कमेंट्स में, मेरे डीएम में भरे हुए रहते हैं कि मैं, मेरे बिल्डिंग में क्रैक आ गया, मैं उसे कैसे रिपेयर करूं। तो ये क्रैक आ डेवलप होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्रैक डेवलप ही क्यों होता है, अगर आप अच्छे से बनाए ही हो, सारा पैसा आपका लगा ही है, तो फिर क्रैक आने का चांसेस क्यों है। तो इसीलिए आप जब पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो और थोड़ा सा अगर आप उसका कुछ परसेंट इंजीनियर में देंगे तो उससे क्या होगा, आपका बिल्डिंग सही बनेगा। क्योंकि ये आप सब्जी मार्केट से लाते हैं, ठीक है, तो सब्जी आप पैसा देके लाते हैं कि हाँ 20 रुपए किलो दे रहा है, तो हम अच्छा वाला फ्रेश वाला चूज करें। तो बिल्डिंग में अगर आप 20 लाख लगा रहे हैं तो आप 1 लाख इंजीनियर को देके अगर उस बिल्डिंग को सही से बनवाइएगा तो वो एक आपका एसेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका बिल्डिंग में क्रैक डेवलप होना और सीपेज हो जाना, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो फिर बार बार तोड़िए रिपेयर यही करने में आपका बजट बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो मेरा इस वीडियो में यही सजेशन है कि आप एक इंजीनियर हायर कर लीजिए, एटलीस्ट 3-4 टाइम आप उसको 4 टाइम आप विजिट कराइए अपने साइट पे, वो सेंटर लाइन प्लान आपका मतलब ग्राउंड पे आपका लेआउट करवा देगा, कॉलम सीधा है कि नहीं वो चेक कर लेगा, उसके बाद आपका बीम जो बंधाएगा वो चेक कर लेगा, और फॉर्म वर्क अच्छा से हुआ है कि नहीं वो देख लेगा, उसके बाद ढलाई अच्छा से हुआ है कि नहीं, प्रॉपर ग्रेड अब यूज किया है कि नहीं ढलाई वगैरह में, वो सब चेक कर लेगा, तो आपका बिल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आप अच्छे से अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो ये टिप्स को जरूर फॉलो करें, और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कंस्ट्रक्शन का तो इस लाइन में आप ना कूदे, सबसे अच्छा होगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट किसी को दे दे, वो आपका घर बना के दे देंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है और लेबर मिस्त्री क्या कर बैठेंगे आपके साइट पे ये कोई नहीं जानता, ठीक है। घर बनने के बाद जितने भी प्रॉब्लम है वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद आने को दिखते हैं, तो फिर बन जाने के बाद आप तो पेमेंट कर दिए तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग से आपको अवेयर रखना है और अपने घर को अच्छे से अच्छा बनाना है। तो होप ये वीडियो से आपको बहुत सारा जानकारी मिला होगा कि घर बनाने में क्या क्या प्रोसेसेस यूज होता है, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे मेल पे मेल करिए, मैं मेल चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगी। तो चलिए गाइज, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, टू बिल्ड रेडी, बाय बाय।